फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पेंशन भोगियों को धोखेबाजों द्वारा तेजी से निशाना बनाया जा रहा है, जो नई दिल्ली में केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय CPO से होने का दावा करते हैं। उनकी कार्यप्रणाली में व्हाट्सएप का उपयोग करके पेंशन भोगियों को फर्जी फॉर्म भेजना और फिर ये दावा करना शामिल है कि जब तक वे फॉर्म नहीं भरे जाएंगे उनका पेंशन भुगतान रोक दिया जाए। ये फॉर्म पेंशन भोगियों को संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए बरगलाने के लिए है, जिनका उपयोग घोटालेबाज पहचान की चोरी के साथ साथ पीड़ितों को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के लिए भी कर सकते हैं। पेंशन भोगी ऐसे धोखेबाजों से खुद को कैसे बचा सकते हैं? न केवल पेंशन भोगियों के लिए बल्कि किसी के लिए भी ये समझना महत्वपूर्ण है कि सरकारी एजेंसियां कभी भी कॉल, व्हाट्सएप या अन्य अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से PPO नंबर या बैंक खाते के विवरण जैसी व्यक्तिगत जानकारी का अनुरोध नहीं करती हैं। इसलिए पेंशन भोगियों को तुरंत केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ज्ञात आधिकारिक संपर्क विवरण का उपयोग करके सीधे CPAO या बैंक से संपर्क करना चाहिए, न कि संदिग्ध संदेशों से। घोटाले के प्रयास की तुरंत संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करना भी महत्वपूर्ण है, इससे दूसरों को भी जाल में फंसने से रोकने में मदद मिलेगी। यदि आपके या आपके जानने वाले किसी के साथ इस तरह की धोखाधड़ी हुई है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।